हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए चलते हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 7, और ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो हम लोग इसमें काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, आयुर्वेद के बारे में, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के बारे में। हमारे कुछ फॉर्मुलेशन चल रहे थे, अब हमारे पास तीन बचे हैं, चूर्ण, लेह और भस्म, है ना। हिंदी में बोलते हैं शुद्ध में तो चूर्ण लेह, जो लेह होता है चवनप्राश टाइप का, और भस्म जो राख होती है ना। तो पढ़ा जाता है चूर्ण, लेह और भस्म, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं चूर्ण से। तो देखें, चूर्ण सबको पता है ना, जैसे कि त्रिफला चूर्ण है और कायम चूर्ण है, ये कॉमन चूर्ण सब लोग खाते रहते हैं। तो चूर्ण के बारे में सब पता ही है। चूर्ण के बारे में तो बेसिक क्या है, प्लांट ले लो, सुखा लो, पीस लो, बन गया चूर्ण, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आओ देखते हैं तब भी। तो क्या कह रहा है ये? तो कह रहा है चूर्ण इन जनरल, जनरली देखा जाए, फाइन पाउडर, ठीक है। कैसा पाउडर है? फाइन पाउडर, फाइन मतलब एकदम पिसा हुआ, ऑफ कंप्लीटली ड्राई हर्ब, जो पूरा सुखा लिया गया है पौधा उसका, विच इज फिल्टर्ड थ्रू अ क्लीन क्लॉथ। उसको क्या करते हैं हम लोग, जब पूरा पीस लेते हैं फिर छानते हैं कपड़े से, उसमें जो बिल्कुल महीन वाले बुरादे होते हैं बाहर आ जाता है, और थोड़ा थोड़ा मोटा वाला ऊपर रहता है, फिर उसको और पीसते हैं और महीन बनाते हैं, जो बचाव पार्ट है छन्नी छानना होता है, ठीक वैसे ही। चूर्ण इज अ कॉमन ड्रग ऑफ प्रेजेंट एरा, आजकल के एरा का चूर्ण एक कॉमन ड्रग है, एंड दीज मेडिसिन मे बी यूज विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ऑब्वियसली बात है, आजकल चूर्ण वगैरह हम लोग कहाँ पूछते हैं, ले लिया जो भी मार्केट में चूर्ण आ रहे हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के खा लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं चूर्ण आर डेराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेस। चूर्ण कहाँ से मिलते हैं हमको? वेजिटेबल सोर्स से मिल जाएंगे, फ्रॉम वेरियस पार्ट। अब वेजिटेबल सोर्स के कई सारे, कोई भी पार्ट हो सकता है, जड़ हो सकती है, स्टेम, ये स्टीम नहीं है, स्टेम है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, एक्सट्रैक्ट, फ्रूट का निचोड़ हो सकता है, उसको सुखा लेंगे, और प्लांट एज अ होल या पूरा का पूरा पौधा हो सकता है जिसको सुखा के पीस लिया गया हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। अर्लियर देयर यूज वॉज ओनली कन्फाइंड टू रूरल एरियाज, पहले क्या होता था, जल्दी गांव गांव के लोग ही इस्तेमाल करते थे ना चूर्ण, गांव शहर में कहां जाते लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। बट ड्यू टू इंक्रीज साइड इफेक्ट ऑफ एलोपैथिक, एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल ना, यूज ऑफ सच टाइप ऑफ मेडिसिन इंक्रीजिंग बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, एंड डिमांड फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन इज इंक्रीजिंग टिल डेट। अब एलोपैथिक के साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आयुर्वेद की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। रूरल होता है गांव का एरिया, आर स्टिल यूजिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिकनेस। वहां पे गांव में आज भी कोई बीमार होता है तो सबसे पहले देसी इलाज चलता है, ठीक है। एंड ओनली इन क्रोनिक डिजीज केसेस यूज टू टेक एलोपैथिक मेडिसिन, जो क्रोनिक डिजीज होती है कुछ खतरनाक टाइप की, उसमें ही वो लोग एलोपैथिक लेना प्रीफर करते हैं। ये तो होगी जनरल बात। हमारे कोर्स का मुद्दा है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में देखो, इसमें कुछ है नहीं, चूर्ण में देखोगे तो प्रिपरेशन में कुछ है ही नहीं, पीस दिया बन गया चूर्ण, क्या मेथड, कोई मेथड नहीं है, सुखा लेंगे, कुछ चीज मिलानी होगी तो मिला लेंगे, ठीक है। तो चूर्ण में कुछ है ही नहीं प्रिपरेशन में, तो इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ और चीजें इसकी पढ़नी पड़ेंगी। तो चूर्ण स्पीस ड्राइड पाउडर सबको पता है, सूखा हुआ पाउडर है, रॉ हर्ब, कच्चा जो पेड़ ले लिया, सुखा लिया, है ना, ड्राइड पाउडर एंड पास थ्रू, सुखाने के बाद पास थ्रू सीव्स, छलनी से पास कराते हैं टू ऑब्टेन फाइन पाउडर, जो कि फाइन पाउडर होते हैं, छलनी से पास कराने के बाद जो एकदम महीन पाउडर होता है वो क्या होता है, छलनी से छनकर बाहर आ जाता है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड विद अदर इंग्रेडिएंट्स, उस पाउडर को हम लोग कुछ और इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लेते हैं कई बार, अगर दो तीन चार का मिक्सचर होता है, टू प्रिपेयर द चूर्ण। पास समझ में आ गई, प्रिपरेशन खत्म, जैसे औरों की प्रिपरेशन होती है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, तो ये प्रिपरेशन खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम यहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ चूर्ण बेस्ड ऑन साइज, ठीक है। तो स्थूल चूर्ण, कोर्स पाउडर, कोर्स मतलब होता है खरखरा, दानेदार, जहां पर चूर्ण थोड़ा सा दानेदार होगा, है ना, दाना दिखाई पड़ेगा, जैसे समझ लो रेत के कण टाइप का, उसको कहते हैं कोर्स पाउडर, खुरखुरा टाइप का, उसको कहते हैं स्थूल चूर्ण। फिर आता है सूक्ष्म चूर्ण, सूक्ष्म हिंदी का वर्ड है, फाइन पाउडर, काफी महीन होगा, जस्ट लाइक कह सकते हैं आटा। फिर आता है अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण, वेरी फाइन पाउडर, पाउडर ले लो, आटे को छूना, और घर में जो टैलकम पाउडर जो डालते हो, है ना, शरीर पे, उस पाउडर को छूना, वो बहुत महीन होता है टैलकम पाउडर, है ना। तीन तरीके से ये हो गया। टाइप्स ऑफ चूर्ण बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट्स, अगर उनके अंदर क्या चीज मिलाई गई है उसके हिसाब से करें,
तो सिंगल हर्ब पाउडर हो सकता है, एक ही हर्ब का इस्तेमाल किया, एक ही पौधे का इस्तेमाल किया। पॉली हर्बल पाउडर, कई सारी हर्ब से मिलकर के हमने बनाया, जिसका एक एग्जांपल है त्रिकातु चूर्ण पाउडर, पाउडर ऑफ जिंजर, पेपर, लॉन्ग पेपर, पेपर पता ना, मिर्ची, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेटेलिक पाउडर, लौह भस्म, आयरन को पीस लिया, यशोदा भस्म में जिंक को पीस लिया, ठीक है। मेटल्स को पीस करके भस्म बनाई जाती हैं, बिल्कुल जला लेंगे, राख जैसी भस्म बनाई जाती है। तो अगर इंग्रेडिएंट के आधार पर चलेंगे तो सिंगल, पॉली और मेटेलिक, क्लियर है। एडवांटेज की बात कर लें अब थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि इसकी प्रिपरेशन कुछ है ही नहीं हमारे पास करने के लिए, तो कुछ बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा देख लें। स्टेबिलिटी मोर होती है कंपेयर टू अदर लिक्विड प्रिपरेशन, ज्यादा स्टेबल है, इजिली एब्जॉर्ब्ड एंड मेटाबोलाइज कंपेयर टू अदर सॉलिड डोजेस फॉर्म लाइक टैबलेट एंड कैप्सूल। टैबलेट और कैप्सूल से अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या होता है, इजिली मेटाबोलाइज हो जाएगा, ठीक है, बॉडी में जाके इजिली डाइजेस्ट होगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन अर्ली, अब खुद ही पिसा हुआ है, बहुत ज्यादा महीन है, जाएगा पेट में, तुरंत एब्जॉर्ब होगा, अपना काम करना स्टार्ट करेगा। मोर इकोनॉमिकल कंपेयर टू अदर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, टैबलेट और कैप्सूल बनाने के कंपैरिजन में ज्यादा इकोनॉमिकल है, पीसा बन गया तैयार, कुछ नहीं करना उसके, यार भरा डब्बे में हो गया काम, मोर इकोनॉमिकल है ना, सस्ते में बन जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, मोर एक्सपोज सर्फेस एरिया मीन्स मोर द चांस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, बहुत ज्यादा महीन होता है तो सर्फेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये तो बात पता है ना, कोई चीज को पीस पीस के जितना छोटा कर लोगे उसका सर्फेस एरिया उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो होता क्या है, उसका चांस ऑफ ऑक्सीडेशन, अब जल्दी से हो सकता है ऑक्सीडाइज हो जाए या हाइड्रोलाइज हो जाए, डिपेंड करेगा, अगर कोई सिचुएशन ऐसी मिल जाती है तो हो सकता है। बिटर ड्रग्स कांट बी डिस्पेंस इन पाउडर फॉर्म, जो कड़वे ड्रग्स होते हैं उनको पाउडर के फॉर्म में तो नहीं खा सकते भाई। ऑन ग्राइंडिंग एरोमेटिक एंड वोलेटाइल प्रॉपर्टी मे लूज, कई बार पीसने की वजह से इसकी जो खुशबू होती है और कुछ जो इसकी वोलेटाइल प्रॉपर्टीज होती है वो उड़ जाती है। डेलिक्यूशन एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कांट डिस्पेंस, अगर कोई ड्रग ऐसा है डेलिक्यूशेंट है ना, कैसा है, नमी को सोख लेता है, पिघल जाता है नम को लेकर के, है ना, हाइग्रोस्कोपिक पानी को सोख रहा है, डेलिक्यूशेंट है, पानी सोखा पिघल गया, ठीक है ना, मतलब लिक्विड में बदल गया। तो ऐसो को हम पाउडर फॉर्म में नहीं रख सकते कि बरसात आएगी ये तुरंत क्या हो जाएंगे, पानी सोखेंगे और पिघल जाएंगे, तो ऐसो को दिक्कत होती है। जैसे कि यहाँ पर एक है एसोफोइटिडा हींग, हींग का जो पाउडर होता है वो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्यूशेंट होता है। बात समझ में आ रही है, क्या डिसएडवांटेज है क्या एडवांटेज है, सिंपल, एक नमक को उठा लो, पानी जब आता है बरसात का मौसम होता है तो हल्का सा कैसा होता है, नम पड़ जाता है, चिपक जाता है, पिघलने लगता है ना, मेल्ट होने लगता है। तो बस यही सारे कुछ डिसएडवांटेज आ गए। थोड़ी सी फार्माकोलॉजी की बात कर लें इसकी, फार्माकोलॉजी पता ना क्या होती है, हैं, फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोलॉजी है ना, एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग के एक्शन की बात कर लें अगर हम लोग, द एक्शन ऑफ चूर्ण स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, मुंह में रखते ही चूर्ण का एक्शन स्टार्ट होता है, एज सून एज इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द टंग, जैसी टंग के कॉन्टेक्ट में आती है। एज पर आयुर्वेदा नॉट ओनली द मेडिसिनल एक्टिव प्रिंसिपल, इसकी जो इसका जो मेन केमिकल है वही नहीं, यहां तक कि उसका जो टेस्ट होता है उसकी भी कुछ मेडिसिनल इफेक्ट होते हैं, यानी कि खट्टा मीठा उसके भी मेडिसिनल इफेक्ट है। देखो कैसे, हम भी ये बात जानते हैं, कभी देखो स्वीट खाओगे तो बड़ा अच्छा लगता है ना, गुड फील सा आता है, सॉल्ट या सोर या पंजेंट थोड़ा सा खट्टा सा खाओगे तो स्टिमुलेटिंग इनिशिएटिंग, साल्ट खाते हो बॉडी एकदम से एक्टिव सी होने लगती है, और एस्ट्रिंजेंट स्टॉपिंग ब्लॉकिंग इफेक्ट, ठीक है ना, एस्ट्रिंजेंट होगा अगर उसका टेस्ट एस्ट्रिंजेंट अक्रेला टाइप का होगा तो स्टॉपिंग या ब्लॉकिंग जैसे ना कुछ नहीं खाना करके, तो अगर इस टाइप का इफेक्ट है तो मतलब वहीं से ही इसके टेस्ट से ही हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है, चलें आगे फार्माकोलॉजी में और देखें आगे क्या है हमारे पास। इन केस ऑफ कफ कोल्ड नोज ब्लॉकेज, है ना, कफ हो है, खांसी है, नाक बंद है, मोस्ट ऑफ द चूर्णस आर स्पाइसीज, नोटिस करना इस बात को, ज्यादातर ऐसे चूर्ण जो कफ कोल्ड में दिए जाते हैं स्पाइसी होंगे, ठीक है ना। तैलीसादी त्रिकातु, ये नाम है इसका, तैलीसादी त्रिकातु, जिसमें जिंजर, ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर और सीतोपलादी ये सब आते हैं उसके अंदर, ये स्पाइसी होते हैं, उदाहरण दे रहा है। स्पाइसी होने से क्या होता है, तुरंत यहाँ पर ना एकदम इचिंग सी होती है तो गले की जो खराश वगैरह है या खुजली वगैरह ना उसमें तुरंत राहत मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ओके। As soon as they come into contact with tongue, जैसे वो tongue के टच में आते हैं, due to higher temperature in oral cavity, हमारी जो oral cavity होती है, हमारे पास जो temperature है मुंह का कितना होता है 37 degree, volatile principles, जो substance
हीट से उड़ेंगे, ठीक है ना, वो वेपोरेट होते हैं, आर रिलीज इन टू द माउथ, वो माउथ में भाप बन के उड़ते हैं, एंड ओरल कैविटी, माउथ में और हमारी ओरल कैविटी गले में लगते जाकर के, हेल्पिंग द पेशेंट विद ब्रीथिंग। अब वो जो भाप बन के हमारे जैसे पेट में गया है वो उड़ेगा इस तरीके से, पेट के अंदर वो जो भाप या वाष्प है वो क्या करेगी, जो सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है उससे हेल्प देगी। तो समझ रहे हो ना, ये हर चीज में बड़ा ही हेल्पफुल है। इफ द प्रोडक्ट इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विद घी, घी या के साथ दिया जाता है, तो घी प्रोटेक्ट द म्यूकोसल लाइनिंग। घी क्या करता है, जो पेट के अंदर की सबसे अंदर की परत होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है किससे, स्पाइसेस से। अगर एकदम चटपटा खा लो तो पेट में जलन ना लगे जाकर के, तो कई बार किसी चीज को कहा जाता है घी से खाइएगा। घी से खाने का मतलब ये होता है जिससे कि जो उसका स्पाइसी कंटेंट है वो पेट में जाके जलन पैदा ना करे। हैंस इन पित्ता पर्सन, है ना, पित्त वाले पर्सन जो होते हैं, घी इज वेरी यूजफुल। एग्जाम्पल, हींग वस्त का चूर्ण इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विद घी, एक एग्जाम्पल दे दिया इसका, ठीक है ना। अब ये क्या है इसकी डिटेल जाके देख सकते हो नेट वगैरह पे, फिलहाल हमको एक एग्जाम्पल चाहिए था, दे दिया हमने। इफ द प्रोडक्ट इज एडमिनिस्टर्ड विद हनी, अगर शहद के साथ दिया जाए, इट गेट एब्जॉर्ब एंड स्प्रेड टू द टारगेट ऑर्गन क्विकली, जिस टारगेट ऑर्गन के साथ ऊपर इसको इफेक्ट दिखाना होता है वहां पर क्विकली जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है, ड्यू टू कैटालिटिक एक्टिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं योगावाही प्रॉपर्टी ऑफ हनी। हनी किस तरह से बिहेव करता है, एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। इफ द प्रोडक्ट इज मेड विद सुगर, जैगरी, गुड़, देन इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू डिजॉल्व। अगर गुड़ या सुगर के साथ चूर्ण दिया जा रहा है तो ये लंबा समय लेता है एब्जॉर्ब होने के लिए, डिजॉल्व होने के लिए, एंड इट्स एक्शन कैन बी एक्सपेक्टेड मोर एट स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यानी मुंह में ये डिजॉल्व नहीं होगा ये पेट में और चला जाएगा सीधा सीधा कहां, इंटेस्टाइन में। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इंटेस्टाइन में जाए तो हम उसको सुगर और गुड़ के साथ देंगे, रैदर इन ओरल कैविटी, हम नहीं चाहते कि वो मुंह में घुले, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, गुड़ और सुगर का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो सारी चीजें पता है पहले से, पुराने लोगों को सब पता है, ठीक है, पुराने लोगों को सारी बातें पता है, बस फर्क सिर्फ क्या है, अब हम लोगों ने वही सब चीजें क्या कर दी है, मॉडिफाइड कर दी है एलोपैथ में, है ना, कि जो चीज को हम चाहते हैं पेट में ना घुले तो वो एंटेरिक कोटेड रखते हैं उसे, हम लोग सुना ना एंटेरिक कोटेड टैबलेट, पेट में डिजॉल्व नहीं होंगी, जाएंगी तो इंटेस्टाइन में जाकर डिजॉल्व होंगी। ओके, नाउ सम एग्जांपल्स, शर्षपादी चूर्ण। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, मैं जितना कंटेंट मैं यहां दे रहा हूं प्रिपरेशन को लेकर के, हर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अलग अलग बुक्स हैं उनके रेफरेंस में थोड़ी बहुत चीजों में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स अलग देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे मैंने कहा था, लकीर का फकीर नहीं बनेंगे, मैंने जो दे दिए हैं अच्छे लग रहे हैं, अच्छी बात है, अदरवाइज आपके टीचर ने कुछ लिखवा दिया वो चाह रहे हैं कि नहीं वही लिखें, तो आप उनको इस्तेमाल कीजिए, कोई जरूर नहीं है कि ये वाला एग्जाम्पल इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। मैंने हमेशा कहता हूँ लकीर का फकीर नहीं बनना है, बिल्कुल जैसे मैंने लिखवा दिया वैसे ही छापना नहीं है। कुछ चीज़ अगर अपनी आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ मेरी पॉइंट हटाना चाहते हैं, आपको लग रहा है वर्डिंग टफ्स हैं, तो उसे हटाइए, अपना मॉडिफाई कीजिए। आपके पास दो तीन तरह के या दो तरीके नोट्स हैं तो उनको आप मिक्सअप करके अपना एक नया कंटेंट तैयार कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है ना। तो मैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर वही कह रहा हूँ कि अगर तुमको लगता है कि नहीं कुछ एग्जाम्पल्स तुमको पहले से याद रहे तो हम उनको लिखना चाहते हैं तो इनको हटा दो, नोट्स मेरे रहते ही हैं तुम लोगों के पास, या तो उसी में ऐड करके सामने वो लिख लो, ओके है। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। सरसपति चूर्ण फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ये बाहरी एप्लीकेशन के लिए होता है। दिस इज मिक्स्ड विद इलादी तैला और नलप्रमादी तैला, इस चूर्ण को मिक्स करेंगे इसके साथ और अदर मीडिया एंड अप्लाइड ओवर द अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड एरिया होता है उसके ऊपर लगा देंगे। इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फिलेरियसिस, है ना, हाथी पैर, फिलेरियसिस क्या होता है, हाथी पैर इसे कहते हैं। इट इज आल्सो यूज इन इचेस, खुजली में, स्कैबीज में और विसारपा में, यानी कि हमारे जो स्किन की इन्फेक्शन है उनमें। आर्यवेदा विसारपा, ठीक है, इस पॉइंट को यहां से हटा देंगे हम लोग। तो ये ठीक है, अब आते हैं क्या हमारे पास, अजामोदादी चूर्ण, ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस, पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। चूर्ण है जिसके साथ मिला के लगाने के लिए बोला होगा, उसको घोलेंगे उसमें और फिर मालिश करेंगे, ठीक है। जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, बैक पेन, सियाटिका एंड सच अदर जॉइंट डिजीज। तो चूर्ण केवल खाने के लिए नहीं होते, चूर्ण का कई बार किसी के तेल में मिला करके लेप लगाने के लिए होता है, मसाज करने के लिए होता है। इट इज एडवाइज टू एडमिनिस्टर विद हॉट वाटर एज अनुपाना, इसको कहा जाता है कि हॉट वाटर के साथ अप्लाई करें। इट कैन ऑल्सो बी मेड इनटू टैबलेट विद जैगरी एज बेस, इसको टैबलेट में ही बदल सकते हैं हम लोग, देखो है ना, दोनों फायदे हैं इसके।
देन जतिफलादी चूर्ण हेल्प टू रिलीव स्प्रू कफ कोल्ड यूजफुल इन अस्थमा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज. ठीक है. कंटेन कैनाबिस एंड सुगर. इसके अंदर क्या क्या होता है? कैनाबिस एंड सुगर होती है. देन है पुष्यनुगा चूर्ण. इट कंटेन जामुन पथा मैंगो तमाम बातें हैं. कुटुज आतिश काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी. इसके अंदर ये सब चीजें मौजूद होती हैं. किस में काम आता है? ठीक है, मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया लिकोरिया मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर. यानी कि ये सारी डिसऑर्डर किसकी हैं? फीमेल्स की हैं. ठीक है, लिकोरिया वगैरह जो होता है. एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑफ वेरियस एटियोलॉजी. अलग अलग सबकी एक प्रॉब्लम होती है तो उन केस में इसको हम लोग देते हैं. इट इज आल्सो यूज ट्रीटिंग यूट्रिन इन्फेक्शन एंड हेमोरॉइड्स. है ना, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसका ज्यादातर इस्तेमाल किसके लिए? फीमेल डिसऑर्डर के लिए है. दिस इज गुड इन डायरिया डिसेंट्री. ठीक है ना, ग्रहणी एंड रक्तपिता. तो कई सारे डिजीज में इसका हमारे पास इस्तेमाल है. हर बार टू बी कलेक्टेड इन पुष्य मंथ दिसंबर जनवरी. ठीक है ना, दिसंबर जनवरी में इसको कलेक्ट किया जाता है जो हर्ब होता है. मिक्स विद हनी मेक अ पेस्ट कंज्यूम इट अलॉन्ग विद राइस वॉश्ड वाटर. जो पानी का धुला हुआ चावल का धुला हुआ पानी होता है उसके साथ इसको लिया जाता है. तो तरीके हैं अपने अपने, जो तुमको बेस्ट लगते हैं वो एग्जाम्पल तुम लोग क्या करोगे? याद करोगे. जैसे मैं फिर कह रहा हूं, नारासीमा चूर्ण यूज इन द आयुर्वेद ट्रीटमेंट ऑफ कफ क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस लाइक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा. ओलिगोस्पर्मिया एंटी एजिंग एजेंट है ना, बुढ़ापे को कम करेगा. क्रोनिक यूरिनरी डिजीज एनीमिया गाउट फिस्टुला सियाटिका क्रोनिक. अब देखो इसमें क्या है तुम्हें, जो डिजीज तुमको लगता है कि हाँ, जैसे नारासीमा चूर्ण तुम्हें याद करना है, कफ रेस्पिरेटरी कंडीशन अस्थमा और एंटी एजिंग, जो शब्द तुम्हें लग रहा है कि इजीली याद है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, उनको याद करना. मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं, ठीक है ना. और जो शब्द तुम्हें लगता है अरे यार ये याद नहीं होते, उनको छोड़ दो. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मेरे पास कुछ बच्चे कई बार अभी आया भी था कि किसी के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कितने याद करने हैं, किसी के 10-10 दे, किसी के 6-6, किसी के 8-8 हैं. तुम कितने याद कर सकते हो अभी? अगर तुम 3 या 4 याद कर सकते हो अभी, उतना याद करो. जब बार बार उसका रिविजन करोगे तो वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, तुम्हें 3 की जगह 4 याद हो जाएंगे. फिलहाल 2 या 3 याद करते चलो, और हर बार जब रिविजन लगेगा तो कोशिश करो उसमें एक नया ऐड करने की. देखो ऐड होता है कि नहीं होता है. याद रहा तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज 3-4 तो लिखने है ना. छोड़ने से बेटर है. ओके. देन काचुरादी चूर्ण, इट हेल्प टू रिलीव बर्निंग सेंसेशन. जलन, हेडेक, डिजीनेस, चक्कर आना, सर में दर्द, डिजीज कफ, ठीक है, तमाम बातें हैं. वेरी बेनिफिशियल इन कंफ्यूजन ऑफ माइंड, जिडीनेस, इंसोमनिया, तो नींद ना आना, तमाम बातें हैं इसका कचुरादी चूर्ण का. फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ओनली. ठीक है ना, ट्रेडिशनली इट इज मेड पेस्ट विद ब्रेस्ट मिल्क और सूटेबल मेडिकेटेड ऑयल्स और घी अप्लाइड ओवर फोरहेड और क्राउन. है ना, सर पे लगाया जाता है इस तरीके से. ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो तो चूर्ण को सर पे लगा रहे हैं और काफी ज्यादा फायदा हो रहा है. तो ये सब पुरानी चीजें हैं, काफी फायदा होता है इनसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे इनको. ठीक है, तो चूर्ण की बातें यहाँ खत्म हो जाती हैं. फिर कह रहा हूँ, प्रिपरेशन में चूर्ण में कुछ था ही नहीं हमारे पास. ठीक है, तो इसलिए हमने उसमें कुछ ज्यादा लिखा ही नहीं, तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज फार्माकोलॉजी ये तमाम बातें थोड़ी हमने वहां पे उसकी डिस्कस कर ली. तो आओ देखें लेह. लेह क्या होता है? लेहम आल्सो रेफर्ड एज लेहम और अवलेहा. जैसे च्यवनप्राश उसी को लेह है, वही लेह है. ठीक है ना, इज एन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन. ये एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है. डेट इज थिक सीरप लाइक सेमी सॉलिड. सेमी सॉलिड च्यवनप्राश देखा ना, सेमी सॉलिड, ना पूरा सॉलिड है ना लिक्विड है. विच इज यूजली स्वीट इन टेस्ट. जनरली कैसा होता है? स्वीट इन टेस्ट होता है. आगे आते हैं. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हर्ब्स बाय द एडिशन ऑफ गुड़. ये जो प्लांट होते हैं उनसे प्रिपेयर किया जाता है. हर्ब से गुड़ मिलाएंगे, शक्कर मिलाएंगे. ठीक है, एंड बॉइल्ड विद प्रिस्क्राइब्ड स्वराज ड्रग जूस. और जो ड्रग का जूस होता है उसके साथ मिला करके इसको उबाल देंगे और क्वाथ काढ़ा या कैल्शियम डिकॉक्शन. ठीक है, हम लोग या तो ड्रग के जूस के साथ या ड्रग का जो काढ़ा हमने तैयार किया उसके साथ या जो उसका डिकॉक्शन तैयार किया उसके साथ गुड़ और चीनी मिला करके उसे सिंपली क्या करना है? उबाल देना है. बात समझ में आ रही है? तो देखे जा रहा जनरल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेहास. तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ाएंगे? क्वाथ पता है ना, क्वाथ क्या होता है? क्वाथ इज काढ़ा. काढ़ा कैसे बनता है? काढ़ा कैसे बनता है? चीजों को पानी में डालो, खोला दो. ठीक है ना, तो कह रहा है सबसे पहले क्वाथ लेंगे, प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 part ऑफ हर्ब विद 8 or 16 पार्ट ऑफ वाटर. 1 part हर्ब का ले लेंगे, 8 से 16 part पानी लेंगे, खोलाएंगे. तब तक खोलाएंगे जब तक 1/4 part एंड फिल्टर. पानी का केवल कितना बचा? दिस बॉल रिड्यूस टू 1/4. 16 का 1/4 कितना होगा? 4. ठीक है, अगर 16 लीटर लिया है तो 4 लीटर बच जाए.
16 ml लिया है तो 4 ml बच जाए, तब तक खौलाते रहेंगे जब तक कि उतना पानी नहीं बच जाता है। ओके, फिर छान लेंगे, पानी अलग हो जाएगा, और जो जैसे चाय पत्ती छान लेते, चाय पत्ती छनने के बाद जो पानी होगा उसमें चाय पत्ती के अर्क आ जाते हैं। बार बार बताता हूँ मैं इस चीज़ को। द पल्पी मेडिसिनल पार्ट इज टेकन फ्रॉम फ्रूट और वेजिटेबल्स एज पर द ट्रेडिशनल फार्मूला। जो मेडिसिनल पार्ट होता है, चाहे वो फ्रूट से आए वेजिटेबल से आए, जो लिखा हुआ किताब में वाला फ्रूट या वेजिटेबल हम लोग ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बॉइल्ड आमला फ्रूट पल्प, जो आमले का फ्रूट के अंदर का पल्प होता है, पल्प मतलब जो अंदर का गुदा होता है, टेकन इन च्यवनप्राश, च्यवनप्राश में लिया जाता है उसको। बॉइल्ड एश गार्ड पल्प, एश गार्ड एक लौकी टाइप का फल होता है, नेट पे देखना मिलेगा इसका पिक्चर, इज टेकन फॉर प्रिपेयरिंग कुष्मंदा अवलेहा, ठीक है, कुष्मंदा अवलेहा को बनाने के लिए। और च्यवनप्राश को बनाने के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, आमला फ्रूट का पल्प ले रहे हैं। रेजिन पल्प इज टेकन फॉर प्रिपेयरिंग द्राक्षा अवलेहा, रेजिन है ना, रेजिन पता ना जो गोल टाइप का निकलता है, उसका जो मांस उसका उठा लें, उसको बॉइल कर लेंगे, तो द्राक्षा अवलेहा। तो कई तरह के ये लेहा है बनाने के लिए अलग अलग चीज का इस्तेमाल होता है। द पल्प इज फ्राइड, पल्प को पहले फ्राई करेंगे इन सीसेम ऑयल है ना, और घी में, एज पर द फॉर्मूला, सीसम ऑयल या घी में उसको पहले फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। देन द प्रिपेयर्ड काशियास एंड फ्राइड पल्प, जो काशिया हमने तैयार किया है ये वाला, और ये जो फ्राइड पल्प है ये वाला, आर टेकन इन वाइड माउथेड वेसल, एक चौड़े बर्तन में लेंगे जिसका मुंह चौड़ा होगा। इट इज एडेड विद स्वीटनिंग एजेंट, उसमें स्वीटनिंग एजेंट डाल देंगे, नेचुरल शुगर, कैंडी शुगर एंड जैगरी, गुड़ को भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। तो क्या क्या कर लिया हमने, इसमें काढ़ा ले लिया और कषाया ले लिया। दिस मिक्सचर इज हीटेड, इस मिक्सचर को हीट करेंगे। वाइल हीटिंग द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर टेक्स प्लेस, शुगर वापस से जो हमने वो करी है, शुगर के दाने दाने टाइप के उभर के आ सकते हैं जब इसे हीट करेंगे। इंक्रीजिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ लिक्विड, ठीक है, जो क्या इंक्रीज करेगी, कंसिस्टेंसी ऑफ लिक्विड। अब देखो हो क्या रहा है यहां पे, कहने का मतलब क्या है, आफ्टर ए वाइल ऑफ हीटिंग द होल मास स्टार्ट टर्निंग सेमी सॉलिड, होगा क्या, धीरे धीरे यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग हीट करेंगे, हीटिंग द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द शुगर टेक, वाइल हीटिंग द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर टेक प्लेस, शुगर क्या हो सकता है, वापस से क्रिस्टल फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसे धीरे धीरे हीट करते जाएंगे और फिर वो एक टाइम पे क्या आएगा, पूरे में अच्छे से फैल के घुल जाएगा, और थोड़ी देर और हीट करेंगे, पूरा का पूरा जो मास होगा वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वंस द मास गेन परफेक्ट सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी, परफेक्ट सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब एक तार जैसा दिखाई देने लगा, ऐसा नहीं कहीं पतला ज्यादा कहीं गाढ़ा ज्यादा, ऐसा नहीं, पूरा एक तार दिखाई देने लगे, होने लगे, तब हम हीटिंग को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। देखो इन तीनों चीजों को मिला करके सिंपल एक कहानी कहना चाह रहा है, इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, बाय मिक्सिंग द ऑल द थ्री कंटेंट वी आर नाउ हीटिंग द होल कंटेंट इन ओपन माउथ वेसल टिल अ सेमी सॉलिड अ मास ऑफ कंसिस्टेंट मास ऑफ सेमी सॉलिड फॉर्म, कंसिस्टेंट मास एक लगातार जैसा मास होना चाहिए, ये नहीं कम ज्यादा हो कहीं पर, कहीं पतला कहीं गाढ़ा, ऐसा नहीं। स्पाइसेस इफ एनी एज मैंशन इन क्लासिकल टेक्स्ट, अगर क्लासिकल टेक्स्ट मतलब किसी किताब में जो हमारे पास आयुर्वेदा की, उसमें कोई स्पाइस अगर मैंशन है कि हाँ ये स्पाइस पढ़नी है, जैसे कि कार्डमम है, इलायची है, सिन्नामन है ना, ब्लैक पेपर है, लॉन्ग पेपर है, अदरक है, ये अगर कोई चीज मैंशन है डालने के लिए तो उसको डाल देंगे। वंस द मास स्टार्ट कूलिंग डाउन, एक बार जब मास ठंडा होना स्टार्ट शुरू हो जाएगा, द मिक्सचर इज स्टर्ड कंटिन्यूसली, मिक्सचर को लगातार स्टिर किया जाएगा, स्टिर मतलब हिलाया जाएगा, टू इंश्योर होमोजीनियस मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, अगर वो जब ठंडा होता है ना तो हो सकता है कि ठंडा होते वक्त कुछ मास फैल जाए, पानी ऐसा अलग सा हो जाए, उसे लगातार हिलाते रहेंगे ठंडा होते वक्त, जिससे कि वो एक होमोजीनियस मिक्सिंग, होमोजीनियस मतलब एक तरह बना रहे इनके। फाइनली हनी इज एडेड, शहद डालेंगे इफ मेंशन, अगर मेंशन है तो, हमेशा नहीं, इन द ट्रेडिशनल फॉर्मूला एंड मिक्सड थॉरोली, और उसको थॉरोली अच्छे से मिला देंगे। तो देखो वही सेम कहानी का दिमाग से देखो, हमने कसाया बनाया, फ्राई किया, ये बना लिया, ठंडा कर रहे हैं, ये वाले इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये बन के हमारा तैयार हो जाएगा, क्लियर है। नाउ एडवांटेज ऑफ लेहा ओवर अदर डोजेस फॉर्म, ऐसा कुछ कोर्स में तो मेंशन नहीं है, बट क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। लेहा इज हाईली पैलेटेबल, खाने लायक होता है बहुत ज्यादा, है ना, स्वीटनिंग इंग्रेडिएंट होते हैं। लेहा इज इजली डाइजेस्टेबल,
है ना, अदर के कंपैरिजन में इजिली क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाएगा ये। फिर क्या कह रहा है, लेहा कंटेन वाटर सॉल्युबल एक्टिव प्रिंसिपल, क्योंकि इसके अंदर पानी के अंदर हमने क्या काढ़ा बनाया था, सारा एक्टिव प्रिंसिपल उस काढ़े में आ गया, जो कि काफी फायदेमंद होता है। लेहा शेल्फ लाइफ, एडेड स्वीटनिंग एजेंट एंड हनी एक्ट एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, जो स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं और हनी डालते हैं वो उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, गिविंग लेहा एटलीस्ट अ ईयर ऑफ सेल्फ लाइफ, है ना, एक साल से पहले वो खराब नहीं होगा। लेहा कंटेन्स एडेड वोलेटाइल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइसेस, जो स्पाइसेस डाले हैं उसके भी प्रिंसिपल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि अदर मेडिसिन में नहीं पाए जाते हैं। लेहा कंटेन ऑयल और फैट सॉल्युबल मेडिसिनल प्रिंसिपल, है ना, हमने जो उसे घी में फ्राई कर लिया था तो सारा का सारा निचोड़ किस में आ गया था, उसमें आ गया था, घी में आ गया, तो वो सारा कंटेंट मौजूद है। द वाइड यूटिलिटी ऑफ लेहम, किसके लिए सबसे ज़्यादा, एंटी एजिंग मेडिसिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है जो, और जो एंटी एजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, रसायना, है ना, एक तरह से एज रिलेटेड हो रहा है। दे आर यूजली एडमिनिस्टर्ड टू डिले द एजिंग प्रोसेस। लेहा बींग रिच इन स्पाइसेस, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल प्रिंसिपल आर यूजली रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट, दस हेल्पिंग इन इंप्रूविंग द लाइफ स्पैन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। तो कह रहे हैं इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से इम्प्रूव करता है लाइफ स्पैन ऑफ सेल, सेल की जिंदगी बढ़ जाती है, टिश्यू की जिंदगी बढ़ जाती है, जब सेल्स और टिश्यूज की लाइफ बढ़ेगी तो हमारी लाइफ भी इंक्रीज कर जाएगी। च्यवनप्राश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है, एंड ब्रह्म रसायना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास लेहा है जो अवेलेबल मार्केट में, जितने एग्जांपल दिए हैं उसको तुम लोग अगर नेट पे डालोगे, गूगल पे डालोगे, तो तुम्हें इनके बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ का इनका यूज़ होता है, क्लियर है। अब एग्जांपल देख लें, जैसे मैंने कहा एग्जांपल जरूरी नहीं है कि यही याद करो, अगर तुम्हें कोई अपना अच्छा लगता है तो तुम उसको भी याद कर सकते हो। अश्वगंधी लेहम, पावरफुल इंग्रेडिएंट सच एज अश्वगंधा मौजूद होता है इसके अंदर, ब्लैक ग्राम, सीसेम एंड जिंजर, है ना, सीसेम और जिंजर भी मौजूद है, जिंजर मतलब अदरक, कॉमन चीजें हैं, ब्लैक ग्राम, रिच एंटीऑक्सीडेंट, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। दिस लेहम यूजफुल इन इंप्रूविंग बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इट इज स्पेशली यूज टू इंप्रूव मसल्स मास, जो लोग पतले होते हैं वो इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं स्ट्रेंथ। इट इज एक्सटेंसिवली यूज बाय बॉडी बिल्डर, अगर नेचुरल प्रोडक्ट में कोई यूज करता है बॉडी बिल्डर तो वो इसको इस्तेमाल करेगा, क्लियर है। अगर तुम लोगों से कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो जस्ट ट्राई इट, है ना, लेकिन इसके बारे में पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन ले लेना उसके बाद, क्लियर है, ओके। विलवादी लेहम विद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम टारगेटेड इंग्रेडिएंट सच एस बेल, क्यूमिन, कैरावे, कार्डेमम, सिन्नामन एक्सेट्रा, ये सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो चीजें हैं जो पेट को अच्छा करते हैं, रखते हैं। दिस हर्बल जैम, देखो जैम, जैम भी लेहम में आता है, इज एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर स्टमक एलमेंट, पेट की बीमारी के लिए ये जो जैम है एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छी लाभकारी रेमेडी है, उपचार है पेट की बीमारियों के लिए, सच एज नॉइजिया, जी मिचलाना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, वीक डाइजेशन, जिसका पेट अच्छे से डाइजेस्ट ना कर पाता हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, है ना, बार बार पेट गुड़ गुड़ करके पॉटी आ रही हो किसी को उसमें। देन आता है हमारे पास त्रिवूर्त लेहम, द हर्ब त्रिवूर्त इज वेरी गुड परगेटिव एजेंट, परगेटिव ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो है ना हमको क्या करता है, पेट साफ कराने में हेल्प करेगा। दिस हर्बल जैम इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए काफी अच्छा इसका इस्तेमाल होता है। द हायर डोज अंडर स्ट्रिक्ट मेडिसिनल सुपरविजन, दिस मेडिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वर्चेना पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेयर इन पर्गेशन इज इंड्यूस्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पित्ता इम्बेलेंस डिसऑर्डर सच एज एक्जिमा, सोरियसिस, लिवर डिसऑर्डर। अब क्या होता है, जो इसकी हाई डोज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हाई डोज का इस्तेमाल करके एक ट्रीटमेंट है जिसका नाम है विरेचना पंचकर्मा, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पर्गेशन इज इंड्यूस्ड, है ना, एक तरह शुद्धिकरण किया जा रही है शरीर का, एक तरह से हम कह सकते हैं करवाया जाता है ये जानबूझ के हाई डोज दलवा करके, ठीक है ना। इससे होता क्या है, पित्त का इम्बैलेंस जो होता है वो ठीक होता है, जब वो ठीक होगा तो एक्जिमा जो एक स्किन की बीमारी है, सोरियसिस एक स्किन की बीमारी है, और लिवर डिसऑर्डर ये क्या हो जाते हैं, उसमें ठीक हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, चलें आगे, ओके। नाउ भस्मा, थर्ड है हमारे पास क्या, भस्मा। भस्मा क्या होता है हमें पता ही है, भस्मा में हम लोग क्या करेंगे, मेटेलिक चीजों को, लौह भस्म, स्वर्ण भस्म, उसको मेटेलिक चीज को क्या करते हैं, जला करके राख बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जला करके राख बनाते हैं उसकी, और फिर उस राख का हम लोग क्या करते हैं,
इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, काफी पावरफुल होते हैं ये। द नेम भस्मा इज जनरली अप्लाइड टू ऑल मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सब्सटेंस दैट आर सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ, अच्छा ये यहाँ पे ऑफ इंसनरेशन एंड रिडक्शन इनटू एस, इसके बाद ये लाइन लगातार है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ इंसनरेशन, इंसनरेशन का मतलब होता है भस्म, भस्मीकरण, भस्म बनाना, जला करके भस्म बनाना, ठीक है। एंड रिडक्शन इनटू एश, और किसमें कन्वर्ट कर ले रहे हैं उसे, राख में। किसी सब्सटेंस को हम जला करके भस्म बना रहे हैं और राख में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो भस्मा के अंदर कहलाएगी। मेटल्स, मिनरल्स, एनिमल प्रोडक्ट दैट आर बाय स्पेशल प्रोसेसेस कैल्सिनेटेड इन क्लोज्ड क्रूसिबल्स इन पिट्स विद काउडंग केक्स पुत्तम। कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, मेटल्स, मिनरल्स, कुछ एनिमल प्रोडक्ट होते हैं दैट आर बाय स्पेशल प्रोसेस, खास प्रोसेस, कैल्सिनेट, कैल्सिनेट मतलब क्या होता है, हम लोग किसी चीज को जला करके राख कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, है ना। अगर पढ़ा होगा तुम लोगों ने क्लास 12 में, जो मेटल्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को जला रहे होते हैं बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे करके, इसके भी दो तरीके होते हैं, ठीक है। और क्रूसिबल्स, क्रूसिबल क्या, जिस बर्तन के अंदर हम इसको जला रहे हैं, क्योंकि जब बताओ मेटल पिघलेगा तो कोई और बर्तन होगा वही तो पिघल जाएगा, तो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो, तो मिट्टी तो जाहिर सी बात है मिट्टी में आग नहीं लगती है, ठीक है। तो इसको हम जला रहे हैं एक क्लोज्ड क्रूसिबल बर्तन में, एक गड्ढे में, गड्ढे में विद काउडंग केक, है ना, नीचे काउडंग केक लगा करके, आग लगा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कैल्सिनेट कर रहे हैं, जला रहे हैं, भस्म कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है कि किस तरीके से एक बर्तन के अंदर इसको डाल करके, काउडंग केक लगा करके इसको भस्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कुछ खास नहीं, इसको सीधे भाषा में समझा जाए तो क्या है, एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर डाल दिया मेटल, और यहां पर एक तो भट्टी समझ लो, क्या समझ लो, भट्टी, ठीक है ना। भट्टी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक तो भट्टी वो होती है खाने बनाने वाली, उसी तरह से भट्टी रहती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर एक बर्तन रहेगा, इसी के अंदर आसपास भट्टी में बर्तन रखा जाता है, यहाँ पे आग रहती है, ठीक है ना, ये बर्तन है, यहाँ भट्टी में यहाँ आग रहेगी और अंदर ये पिघलाया जाता है, क्लियर है, ओके। स्टेप्स यूज्ड टू प्रिपेयर भस्मा, कौन कौन से स्टेप इस्तेमाल किए जाते हैं भस्मा को प्रिपेयर करने के लिए, तो आओ देखें, सबसे पहला है शोधना और दूसरा है मरना, ठीक है। तो शोधना में क्या है, इन आयुर्वेदा प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड शोधना, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, प्यूरिफाई करेंगे, अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। शोधना इज द प्रोसेस थ्रू विच द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंप्योरिटीज ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स आर रिमूव्ड, हम लोग मेटल को क्या कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं। जैसे कि क्लास 12 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, किस तरह से मेटल को हम लोग क्या करते हैं, प्योर करते हैं, वो सारी प्रोसेस इसके अंदर आ जाती है, ठीक है ना। प्यूरिफिकेशन के अंदर उसका क्या था, जलाना, फिर उसको लास्ट में क्या मेल्ट भी करते हैं हम, या कई अलग अलग तरीके होते हैं प्यूरिफाई करने के, वो सारे तरीके यहाँ अपना करके हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं। द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व, एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल मैटर, ड्रग से हार्मफुल मेटल निकाल देते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर कोई ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मौजूद है जो हमको नुकसान पहुंचा सकती है तो उसको मॉडिफाई करवा देंगे हम, ऐसे रूप में ले आएंगे कि वो हमको नुकसान ना पहुंचाए। कन्वर्जन ऑफ सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग टू डिफरेंट स्टेजेस, कुछ करेक्टर्स होते हैं ड्रग्स के, वो हम लोग क्या करते हैं अलग स्टेजेस में कन्वर्ट करवा देते हैं। इनहेंसमेंट ऑफ द थेरोपेटिक एक्शन, इसमें ओवरऑल क्या होता है, ड्रग की क्षमता भी बढ़ जाती है ठीक करने की, क्योंकि इम्प्योर में तो उतना अच्छा काम करेगा नहीं, प्योर जब हो जाता है तो इसकी काम करने की क्षमता भी इंक्रीज कर जाती है, क्लियर है। नाउ अब हमको क्या मिल गया, एक प्योर ड्रग मिल गया, यहां से हमें क्या मिल गया, एक प्योर ड्रग मिल गया, ड्रग मतलब प्योर, एक तरह से प्योर गोल्ड मिल गया या प्योर लोहा मिल गया। तो मराना इज बेसिकली बर्निंग प्रोसेस और कैल्सिनेशन, उसको अब हम जला के भस्म करेंगे, ठीक है, राख बनाएंगे। अब क्या कह रहा था, प्यूरिफाइड मेटल, जो प्यूरिफाइड मेटल होता है, इज प्लेस्ड इनटू अ मोर्टार पेशल, चीनी मिट्टी बता रहा है बर्तन, एंड ग्राउंडेड विद, उसको अंदर कर देंगे जूस ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट और कसायास, प्लांट का जो अर्क है या काढ़ा है उसके साथ उसको क्या करेंगे, बर्तन में डाल देंगे। और साथ साथ में हम लोग क्या लेते हैं, मरकरी इन मेटलिक स्टेट, अच्छा मरकरी से क्या होता है, उसका टूटना मेटल का थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो मरकरी ले लिया, और अ कंपाउंड ऑफ मरकरी सच एज मरकरी परक्लोरेट, जिसको हम लोग सोवीरम कहते हैं, एंड अमालगम ऑफ सल्फर एंड मरकरी, जिसे हम कजाली कहते हैं, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ खास समय के लिए ले लेंगे जिससे कि वो टूटना आसान हो जाएगा। द मेटल डेट इज इंटेंडेड फॉर मराना, जिस मेटल को हम लोग मराना प्रोसेस गुजारना चाह रहे हैं,
ठीक है, ये मरकरी वगैरह तो सेकेंडरी थे, मेन जो मेटल हमने लिया था उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटल कहते हैं, प्रधान धातु। और जो दूसरे मेटल उसमें मिलाए जा रहे हैं ताकि इस प्रोसेस को करवा सकें उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटल और सहाय धातु, ठीक है ना। द अदर मेटल विच आर टेकन इन स्मॉल प्रपोर्शन फॉर द मराना, ये जो मरकरी वगैरह लिया गया छोटे प्रपोर्शन में लिया गया है, ठीक है, इनका रोल बाद में खत्म हो जाता है ताकि मराना हो सके इजिली, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटल या सहाय धातु, सहायक होता है वैसे सहाय धातु। मराना डिफर्स विद द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस का नेचर क्या है उस हिसाब से मराना की प्रोसेस भी चेंज हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज हर्ब्स आर बर्नड इन ओपन एयर, हर्ब्स होंगे तो ओपन एयर में बर्न कराए जाएंगे, वेयर एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज मेटल्स लाइक रजत यानी कि सिल्वर आर बर्नड इन क्लोज्ड कंटेनर, है ना, अगर मेटल है तो उसको हम लोग एक बंद कंटेनर के अंदर भस्म कराएंगे। इन आइदर केस, दोनों में से कोई भी केस हुआ, ठीक है ना, चाहे ओपन वाला चाहे क्लोज वाला, द एंड प्रोडक्ट इज भस्म ऑफ सब्सटेंस, आखिरी में हमको भस्म ही मिलेगी टेकन फॉर मराना। फॉर एग्जाम्पल द एंड प्रोडक्ट इन केस ऑफ सिल्वर रजता इज कॉल्ड द रजत भस्म, ठीक है ना, जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है सिल्वर का उसको हम लोग क्या कहते हैं, रजत भस्म कहते हैं, हिंदी वर्डिंग है और कुछ नहीं है, तो सिंपल बातें अगर थोड़ा बहुत ध्यान से देख लोगे, अच्छा एक धातु मेन होती है दूसरी हेल्प करने के लिए होती है, ठीक है, एग्जांपल ले लेंगे जैसे रजत में से रजत धातु रजत भस्म बोल देंगे, ठीक है, हम लोग ओपन खुले बर्तन में भी करा सकते हैं बंद बर्तन में भी करा सकते हैं, तो एक थीम दिमाग में सेट कर लेनी है चल क्या रहा है। मराना ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड पुता एंड द प्रोसेस ऑफ मराना हर्ब्स इन क्लोज्ड फ्रेशली मेड कंटेनर इज नोन एज पुतपाका, ठीक है ना, तो नाम है ये भस्म ऑब्टेन बाय मराना फ्रॉम प्राइमरी मेटल्स टुगेदर विद हर्ब, अगर मेटल और हर्ब को एक साथ लेके आएंगे जिसको मूलिका कहा जाता है तो इसको हम कहते हैं मूलिका मेरेटा भस्म, दोनों को कंबाइंड एक साथ, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। मराना ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड पुत्ता, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पुत्ता कहते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ मराना ऑफ हर्ब इन क्लोज्ड फ्रेशली मेड कंटेनर इज नोन एज पुतपाका, ठीक है, और इसको जब दोनों को किसको भस्म ऑब्टेन बाय मराना फ्रॉम प्राइमरी मेटल्स टुगेदर विद हर्ब, मेटल और हर्ब को एक साथ कराएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मूली कैमेरिता भस्म, तो थोड़ी सी वर्डिंग्स है, ठीक है, धीरे धीरे करके याद करोगे, कोशिश करना पहले इसको हिंदी में कर लो, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, गोल्ड स्वर्ण भस्म सबने सुन रखी होगी, बड़ी ताकतवर होती है ना, स्वर्ण बंग भी कहते हैं कुछ लोग, गोल्ड स्वर्ण भस्म। द जनरल प्रिपरेशन ऑफ स्वर्ण भस्म इन्वॉल्व द थ्री प्रोसेस, शोधना द्रवणा और मराना, ठीक है, आओ देखें क्या कह रहा है। द लीव्स ऑफ गोल्ड, लीव्स ऑफ गोल्ड मतलब गोल्ड की पत्ती टाइप की पतले पतले वो काट लिए जाएंगे, आर हीटेड ओवर फायर एंड डिप्ड इन सेसा, ठीक है ना, उसका डिप कर दिया जाएगा सेसा ऑयल के अंदर, वेन इट्स रेड हॉट प्रोसेस इज कंटिन्यू 7 times, इसको 7 प्रोसेस में करेंगे, लाल करेंगे डिप करेंगे, लाल करेंगे डिप करेंगे, ठीक है। द सॉफ्ट लीव्स आर प्रोसेस्ड विद बटर मिल्क, जो सॉफ्ट लीफ, ये जो लीफ होते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे किसके, गोल्ड के, बटर मिल्क या काउज यूरिन के साथ इसको ट्रीट कराते हैं, एंड द डिकॉक्शन ऑफ कुलाथा कंजी एंड रेडिश, ठीक है ना, और क्या कराएंगे फिर इसका डिकॉक्शन कराएंगे हम लोग, क्लियर है, आगे आते हैं। फिर क्या कह रहा है ये, अच्छा ये स्वर्ण बंग का कोर्स में नहीं है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं क्या कर रहे हैं। फाइनली द लीव्स आर ड्राइड बाय हीट, द मिक्सचर, जो मिक्सचर तैयार हो गया इज ट्राइटुरेटेड एंड द पेस्ट दस ऑब्टेन इज ड्राइड अंडर सनलाइट। अब क्योंकि हमने पीछे ये उसका डिकॉक्शन वगैरह कराया है तो उसका एक पेस्ट टाइप का तैयार हो गया होगा, उस पेस्ट को फिर हम लोग क्या करेंगे, सुखा लेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्राइटुरेटिंग एंड ड्राइंग अंडर सनलाइट इज रिपीटेड 7 to 14 times, बार बार उसे ट्राइटुरेट करेंगे, सुखाएंगे कम से कम 7 to 14 times, यूजिंग फ्रेश एलिकोर्स ऑफ लेटेक्स, लेटेक्स का इस्तेमाल करते हुए, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, और लास्ट में फिर जो प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको चूर्ण टाइप का, जो भस्म होगी उसकी, वो हमको मिल जाती है। इट्स ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स आर एज फेलोज, जिसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स होते हैं वो कुछ क्या होंगे, इसका कलर डार्क हो जाता है, डार्क ब्राउन, फाइन इन टच, छूने में काफी महीन सा लगता है, एंड टेस्टलेस, कैसा होता है ये, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। अब ये कुछ कंटेंट बता रखे हैं इसके, मैं फिर कह रहा हूँ सर्न बंग नॉट इन कोर्स, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इट शुड कंटेन सल्फर
वेट बाय वेट 3.3% कम होना चाहिए, कैल्शियम इससे कम होना चाहिए, सोडियम पोटेशियम सल्फेट ये चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर। ये सब चीज़ों की जो मात्रा है, क्योंकि हम लोग जब प्रोसेस कराते हैं तो ये सब चीज़ों की मात्रा इतनी कम से कम रहनी चाहिए, इनसे कम रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इट शोज फॉलोइंग फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक एनाल्जेसिक एक्टिविटी, इसके अंदर एनाल्जेसिक एक्टिविटी पाई जाती है। असेसमेंट ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट एंड हिस्टोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन शोज नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म का अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी कर लो तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तब पार्टिकल साइज ऑफ द रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल था उसका पार्टिकल साइज कितना था, 6 to 8 micron, वाइल दैट फॉर द भस्म, भस्म का पार्टिकल 1 to 2 micrometer का हो जाता है, जो पाउडर टाइप का आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सम भस्म एंड देयर इंग्रेडिएंट किससे बने हैं, अब्रक भस्म माइका से बना है, ठीक है, हल्तियाना भस्म चारकोल और एलिफेंट टस्क से बना है, जसोदा भस्म जिंक से बना है, लोहा भस्म आयरन से बना है, ठीक है, मंदुरा भस्म आयरन ऑक्साइड से बना है, मायरोपिचा भस्म एश ऑफ पीकॉक फेदर मोर के पंख से, मुक्ता भस्म पर्ल जो मोती होते हैं, नाग भस्म लीड से बना है, परेड भस्म मर्कुरी कंपाउंड से है, प्रवाला भस्म ऑक्साइड ऑफ कोरल सिल्वर ऑक्साइड। तो ये तमाम भस्म हमारे पास मौजूद है, तुम लोग देख सकते हो, इसको सर्च मारोगे हर भस्म में कुछ ना कुछ रोल मिल जाएगा तुम्हें। तो भस्म का मतलब क्या है, हमें ऑब्वियस ही बात है, जरा गौर से सोचोगे अगर कि हाँ खत्म हो गया ये भस्म क्या है, हमें लोहे को राख में बदलना है, तो सोचो क्या करोगे, पहले तो उस लोहे को प्योरीफाई करोगे सोधना, एंड देन जो मैराना प्रोसेस है उसमें उसे क्या करोगे, जला करके राख में तब्दील करोगे, ठीक है ना। अभी कुछ लोगों को सोचने बड़ा अजीब लग रहा है, लोहे को कैसे राख में बदलेंगे, भाई लोहा है, दुनिया में कोई ऐसी चीज जो जलती ना हो, हर एक चीज जलती है, बशर्ते तुम उसको उसका जलने वाला जिस टेम्परेचर पे वो जलेगा उतना टेम्परेचर पहुंचा दो। जैसे कि तुम्हारे घरों में तवा इस्तेमाल होता है, गैस का टेम्परेचर 300 degrees आई थिंक रहता है, 300-400 degrees के आसपास, लेकिन लोहे का जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1400 degrees centigrade होता है, तो गैस उतना टेम्परेचर पहुंचा नहीं पाती है इसलिए जलता नहीं है। छोटा सा एग्जांपल, तिल्ली लो, तिल्ली जब जलाते हो और गलती से हाथ के बहुत पास होती है, हमारा हाथ नहीं जलता है, लेकिन वही अगर भाप लग गई हाथ पे तो हाथ खाल जल जाती है, यानी कि भाप का टेम्परेचर ज़्यादा था और तिल्ली का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं। तो बस वैसे ही है, लोहे को भी हम लोग भस्म बना सकते हैं, बशर्ते हम उसको उतना टेम्परेचर दे दें। क्लियर है? तो कुछ बातें, कुछ नए शब्द, कुछ अजीबो गरीब से शब्द आए हैं, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। और फिर बता रहा हूँ, जो एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने लिए हैं, जरूरी नहीं है कि तुम लोग भी वही लो, तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो अगर तुमने कुछ और याद कर लिए हैं, या फिर तुमको लगता है कहीं और से तुम्हें कुछ ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल मिल गए हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। बस मुद्दा क्या है, हमको अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिवीजन, बार बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। क्लियर है? ऑल द बेस्ट।